नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। जिले के एसपी राज ऋषि राज वर्मा का 5 दिन में ट्रांसफर हो गया है। एसपी राज ऋषि का झुंझुनू एसपी पद पर तबादला किया है। वहीं उनकी जगह आईपीएस श्याम सिंह को डूंगरपुर एसपी लगाया गया है। इधर 5 दिन में एसपी का तबादला होना सभी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर खुद के ट्रांसफर से पहले एसपी ने डूंगरपुर पुलिस महकमे में भारी फेरबदल किया है। एसपी ने डूंगर के सीआई से लेकर एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की बड़ी ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। राज्य सरकार की ओर से 24 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें डूंगरपुर एसपी को एक बार फिर से बदल दिया गया है। नई लिस्ट में आईपीएस श्याम सिंह को डूंगरपुर का नया एसपी बनाया गया है। वे जालौर जिले में ट्रांसफर होकर डूंगरपुर आए हैं, जबकि 5 दिन पहले ही आईपीएस राज ऋषि राज वर्मा ने 19 फरवरी को डूंगरपुर एसपी का पदभार ग्रहण किया था। वे टोंक जिले से ट्रांसफर होकर डूंगरपुर आए थे, लेकिन अब उनका ट्रांसफर डूंगरपुर से झुंझुनू एसपी हो गया है। इधर 5 दिन में तबादला होने के पीछे राजनीतिक कारण बताया जा रहा है। राजस्थान में तबादलों का दौर जारी है। जानकारी के अनुसार भजनलाल सरकार ने 24 आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले सूबे में 8 कलेक्टर सहित 33 आईएएस सहित आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर हुआ था। अब कार्मिक विभाग ने 24 आईपीएस अधिकारियों को ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। जानकारी के अनुसार ज्ञानचंद यादव को जालौर का नया पुलिस अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं जालौर एसपी श्याम सिंह का तबादला हुआ, डूंगरपुर एसपी के पद पर किया गया। बता दें कि 2 दिन पहले ही श्याम सिंह का जालौर हुआ था, लेकिन देर रात कार्मिक विभाग ने उनका ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया। राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा के 24 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस तबादला सूची में 11 जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं। खुद के तबादले से पहले एसपी राज ऋषि राज वर्मा की ओर से 6 अलग अलग ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई। इसमें से 6 सीआई के ट्रांसफर शामिल है। इसमें दोहड़ा थाना अधिकारी तेज सिंह को बिछीवाड़ा थाना अधिकारी लगाया गया है, जबकि बिछीवाड़ा के सीआई मदन लाल का दोहड़ा थाना अधिकारी पर ट्रांसफर कर दिया है। सीआई गिरधारी लाल को पुलिस लाइन से सदर, हरेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से आसपुर, सुनील कुमार को साइबर थाना, अनिल देवल को अपराध सहायक लगाया गया है। इसी तरह 17 एसआई, 19 हेड कांस्टेबल और क्षेत्र कांस्टेबल के तबादले किए गए हैं। राजधानी के जयपुर जोटवाड़ा थाना इलाके में बैंक में डकैती का प्रयास का मामला सामने आया है। वारदात के बाद पूरे शहर में ए श्रेणी के नाकाबंदी कराई जा रही है। दरअसल बैंक के अंदर घुसकर कैशियर को गोली मारने की बात सामने आई है। वहीं कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। भीड़ द्वारा मौके पर एक बदमाश को दबोच जाने की सूचना है। वहीं दूसरे बदमाश की मौके पर फरार होने की जानकारी मिल रही है। पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रखी है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पंजाब नेशनल बैंक में डकैती मामले में कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत को गोली मारी है। घायल नरेंद्र सिंह शेखावत को एसएमएस ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि जयपुर की पंजाब नेशनल बैंक में घुसे लुटेरे ने जब एक कैशियर को तिजोरी की चाबियां मांगी तो उसने मना कर दिया। इसके चलते बदमाश ने उसे गोली मार दी। इसके बाद वहां पर हंगामा हो गया। गोली मारकर भाग रहे बदमाश में से एक को वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पकड़ने के बाद भीड़ ने उसे जमकर पीटा भी, लेकिन दूसरा लुटेरा फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक घटना स्थल पर डीपी समेत कई अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद है। फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया है। एक ऐसा हादसा जो उम्र भर जख्म बनकर रहेगा। अपनों के लिए पिता पुत्र की मौत हो गई, तो वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल है, इसका इलाज जारी है। मामला भीलवाड़ा के आसिंद का है। करेड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से चली आ रही कार ने बाइक को टक्कर मारी, पिता पुत्र व पत्नी की चपेट ले ली। इसके कारण पिता पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जहां करेड़ा थाना प्रभारी सुनील कुमार बेड़ा ने कहा कि थाना क्षेत्र के भीलों का खेड़ा सामने से तेज रफ्तार से चल रही कार के सामने से आ रही बाइक सवार पिता पुत्र व पत्नी को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार पिता व पुत्र की मौके पर मौत हो गई। वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किए गए एक सर्वे में बड़ा खुलासा बताया जा रहा है। प्रदेश की हर सीट पर कई प्रत्याशी दौड़ में है। सूबे में इन दिनों बीजेपी कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर खास मुस्तैद दिख रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मिशन 25 के तहत काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस राजस्थान में जीत के लिए तरह तरह के आंकड़े रखकर लोगों को जागरूक करती दिख रही है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की 25 सीटों पर एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में सूबे की एक एक सीट पर 2 से 3 प्रत्याशियों के नाम को लेकर जानकारी जुटाई गई। इस दौरान यह भी सामने आया कि राजस्थान की कई सीटों पर 2 से 3 प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है। हालांकि सर्वे में सबसे आगे जो नाम चल रहा है उसी को टिकट मिलने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के सर्वे में उन प्रत्याशियों के नाम को भी शामिल किया गया है जिन्हें पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इस सर्वे में विधानसभा चुनाव हार चुके प्रत्याशियों और कुछ मौजूदा विधायकों के नाम शामिल किए गए हैं। इस लिस्ट में राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, प्रहलाद जुंगल, नरेंद्र कुमार, शुभकरण चौधरी, ज्योति मिर्धा, सुभाष महरिया और अमृत लाल मीणा के नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि लोकसभा टिकट के आवेदन के लिए आवेदक नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में नेता टिकट की दौड़ में है। जानकारी के अनुसार करौली और धौलपुर लोकसभा सीट से करीब 72 आवेदक आए हैं। इसमें से आधा दर्जन रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है। बता दें कि
वर्तमान में करौली धौलपुर में लोकसभा सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश पंकज कुमावत व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती के करीब 5400 पदों के लिए गत वर्ष भर्ती निकाली थी। इस भर्ती में पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों में लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया। याचिका में कहा गया कि समान पात्रता परीक्षा से 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी शामिल होते हैं, वहीं कई अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं होती। वहीं कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती में आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है और स्नातक के साथ साथ कंप्यूटर की योग्यता भी अनिवार्य रखी गई है। इस तथ्य की अनदेखी करते हुए चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा में मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को बुला लिया। याचिका में कहा गया कि इसमें भी कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 21 साल से कम आयु के हैं। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर की योग्यता भी नहीं है। ऐसे में लिखित परीक्षा में अपात्र लोगों को शामिल करने के चलते याचिका कार्यकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, इसलिए चयन बोर्ड प्रक्रिया में रोक लगाई जाए। इस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने का जवाब दिया है। 26 फरवरी को उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेल मंडल में नए विकास कार्य की सौगात मिलेगी। जयपुर रेल मंडल के 6 स्टेशनों का पुनः निर्माण किया जाएगा, जबकि 44 रेल फाटकों पर ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जाएंगे। जयपुर रेल मंडल के 16 स्टेशनों का अमृत भारत योजना में विकास किया जा रहा है। इसमें 10 स्टेशनों का शिलान्यास 6 अगस्त 2023 को किया गया था। अब 6 स्टेशनों का शिलान्यास 26 फरवरी को किया जाएगा। स्टेशनों और ओवरब्रिज अंडरपास शिलान्यास लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। राजस्थान के झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने 24 घंटे में ही निरादून के बुजुर्ग बजरंग लाल की हत्या का पर्दाफाश कर दिया है। मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। यह हत्या यूपी से लड़कियां लाकर राजस्थान में पैसे लेकर उनकी शादियां करवाने के अवैध मानव तस्करी के धंधे से रोड़ा हटाने के लिए की गई थी, जिसके बाद पुलिस भी चौंक गई है। मामले का पर्दाफाश करते हुए एसपी ज्ञानचंद यादव ने बताया कि गुरुवार सुबह निरादनों की जोड़ में नर्सरी के गड्ढे में 60 वर्षीय बजरंग लाल का शव मिला था। इस संदर्भ में मृतक के बेटे राजेश ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो बजरंग लाल का ही पड़ोसी सुभाष पुत्र रणजीत जाट संदिग्ध लगा, जिसकी तलाश की गई तो पता चला कि वह रात को गांव आया और यूपी जाने की फिराक में है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर सुभाष जाट को पकड़ लिया और पूछताछ की गई तो उससे हत्या किया जाना कबूल कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सुभाष पुत्र रणजीत जाट ने बताया कि उसकी शादी यूपी की एक लड़की के साथ हुई है, इसलिए वह अक्सर यूपी रहता है। साथ ही यूपी की लड़कियों की राजस्थान के लड़कों के साथ पैसे लेकर शादी करवाता है। यही काम मृतक बजरंग लाल भी करता था, लेकिन कुछ समय से सुभाष के यूपी रहने के कारण बजरंग लाल का यह धंधा मंदा पड़ गया तो उसने यूपी के एक व्यक्ति से सुभाष पर हमला करवाया। सुभाष ने भी बजरंग लाल को रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया ताकि राजस्थान में वह अकेला यह व्यापार कर सके और बजरंग लाल इस व्यापार में उसको परेशान ना करे। वह यूपी से अपने घर आया, घर पर रखे फोन से बजरंग लाल को शराब पीने के लिए बुलाया। दोनों ने पहले शराब पी और इसके बाद उसने बजरंग लाल की शराब में जहर मिला दिया, जिससे बजरंग लाल बेहोश हो गया। सुभाष ने बजरंग लाल को एक गड्ढे में पटक दिया और हथौड़े से सिर पर वार किया, जिससे बजरंग लाल की मौत हो गई। घटना के बाद वह वापस यूपी भागने की फिराक में था, लेकिन पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और बीजेपी इन सभी सीटों पर तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए जुटी हुई है। मिशन 25 के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी ने सभी सीटों पर अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। टिकट वितरण से लेकर चुनावी सभाओं का रोड मैप तैयार हो गया है। वहीं दूसरी ओर इन सभी सीटों पर टिकट उम्मीदवार दावेदार और उनके साथ समर्थक पार्टी कार्यालय हो या नेताओं के घरों पर पहुंच रहे हैं, आवेदन के लिए नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने गुरुवार को प्रदेश के प्रमुख नेता बीजेपी कार्यालय में इकट्ठे हुए तो दावेदार की भीड़ भी लग गई। दावेदारों ने मुख्यमंत्री बदनलाल शर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल सहित तमाम प्रमुख नेताओं से मिलकर अपना बायोडाटा दिया। इसके अलावा भी जहां नेता दिखते हैं वहीं दावेदार और समर्थक बायोडाटा देने के लिए घेर लेते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बदनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य नेता दावेदारों से ठीक तरह से मिल भी नहीं रहे, बल्कि उनसे एक के बाद एक बायोडाटा ले रहे हैं। इसके बावजूद दावेदारों की आस है कि उनके दावे पर पार्टी नेता जरूर नजर डालेंगे। इधर दावेदार अपने बायोडाटा लेकर पार्टी के नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लोकसभा सीट को लेकर एजेंसी से सर्वे करवा रही है। बताया जा रहा है कि एक लोकसभा सीट पर 2 से 3 नाम को लेकर सर्वे करवाया है। सर्वे में सबसे आगे रहने वाले नाम को टिकट मिलने की संभावना रहेगी। सर्वे में विधानसभा चुनाव हारे हुए नेताओं के नाम भी हैं। विधानसभा चुनाव में हार चुके नेताओं और कुछ मौजूदा विधायकों के नाम भी सर्वे में आए हैं। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, प्रहलाद गुंजल, नरेंद्र कुमार,
शिवकरण चौधरी, ज्योति मिर्धा, सुभाष महरिया, अमृत लाल मीणा समेत प्रमुख नेता शामिल है। प्रदेश में लोकसभा सीटों पर ज्यादातर सांसद 2 से ज्यादा बार जीते हुए हैं। इस बार पार्टी की ओर से कई सांसदों के टिकट काटे जाने की संभावना है। ऐसे में भाजपा में कमकसी है, हर सीट पर दावेदार टिकट मांग रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग टिकट मांग रहे हैं। सर्वाधिक आवेदन करौली प्लस धौलपुर लोकसभा सीट से आए हैं। इस सीट से तकरीबन 72 आवेदन आए हैं। इसमें आधा दर्जन रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, इसके अलावा भी अन्य सीटों से बड़ी संख्या में दावेदार जता रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने टिकट दावेदारी को लेकर यह कहा कि अंदरूनी नीति है, पार्लियामेंट बोर्ड ही तय करेगा टिकट। पार्टी में लोकतंत्र है, ऐसे में हर किसी को दावेदारी का अधिकार है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि टिकट के दावेदारों की भीड़ उमड़ना स्वाभाविक है। जहां जीत होती है वहां कार्यकर्ताओं की आशा उम्मीद बढ़ जाती है। टिकट मिलने के बाद हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। इसके तहत सभी मिलकर उस प्रत्याशी के समर्थन में काम करेंगे। यूपी के सीतापुरा के नैमिसारिया में राजस्थान के मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले नैमिसारिया धाम पहुंचकर मां ललिता देवी मंदिर में पूजा पाठ की। इसके बाद मदनलाल शर्मा ने नैमिसारिया के साधु संतों में मुलाकात की। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलकर नैमिसारिया के साधु संत काफी उत्साहित और प्रसन्न थे। सीएम मां ललिता देवी के दर्शन पूजा करने के बाद सीधे सीतापुरा के रिसोर्ट में पहुंचे, जहां उन्होंने रिसोर्ट का उद्घाटन किया। उससे पहले हाथों में फूलों की थाल बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मदनलाल शर्मा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद हाल में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा पहुंचकर सभा को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मोदी सरकार की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को बताया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जुड़े जाने का संदेश दिया गया और जीत का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा काफी प्रसन्न दिखाई दिए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की और उनका अभिनंदन किया। साथियों, इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।